जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लावा ब्लेज 2 मोबाइल में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक टेस्ट करेंगे, कितनी तेजी से ये चीजें काम करती हैं इस मोबाइल में। और साथ में दोस्तों मैंने इस मोबाइल के ऊपर जो है और भी वीडियो बनाए हुए हैं, अनबॉक्सिंग के रिलेटेड या गेमिंग के रिलेटेड या जो है इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स और फीचर क्या क्या है उसकी भी जो है वीडियोस मैंने बनाई हुई है, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है लावा ब्लेज 2 नाम से। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है प्लेलिस्ट की, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप जो है उस प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं, वहां मैंने इसके रिलेटेड और वीडियो डाली हुई है। यदि आप इस मोबाइल को खरीदने की सोच रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको और आइडिया लग सके कि कैसा है ये मोबाइल एक्चुअली। चलिए तो आज की वीडियो में हम टेस्ट कर लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक कितनी तेजी से ये चीजें इसमें काम करती हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा लावा ब्लेज 2 मोबाइल, तो चलिए करते हैं इसमें फिंगरप्रिंट। ये मैंने लगाया हुआ है फिंगरप्रिंट, लेकिन इसमें फेस अनलॉक अभी सेट नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए हमको जाना होगा इसमें सेटिंग में। तो हम चलते हैं अभी सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना रहता है सिक्योरिटी में, क्योंकि ये सिक्योरिटी फीचर रहते हैं। और फाइंड माई डिवाइस, ठीक है, पैटर्न लॉक, फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक, ये रहा। और जो भी पासवर्ड डाला रहता है वो आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद जो है आप फेस अनलॉक यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ये बता रहा है आपको कि जो है योर मोबाइल अनलॉक पर्सन आइटम सिमिलर टू यू या फोटो के जरिए या ऐसी किसी चीज़ के जरिए भी जो है इसमें फेस अनलॉक किया जा सकता है। वो भी हम अभी टेस्ट कर लेंगे कि फोटो की मदद से खुल सकता है कि नहीं खुल सकता, या वीडियो की मदद से खुल सकता है कि नहीं खुल सकता। तो चलो वेल, अभी हम आई एग्री पर क्लिक करते हैं और इसमें फेस डिटेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसमें फेस जो है वो अपना कर लेता हूँ। डन हो गया। डन भाई, अभी तो इसने यही नहीं है, चलो एक बार और करते हैं। फेस अनलॉक, ये रहा। फेस एडिट, डिलीट फेस मॉडल, यस। सेट फेस अनलॉक, मोर, एग्री, स्टार्ट, ऑल सेट, लुक गुड। तो भाई इसने एक सेकंड भी नहीं लिया और जो है मेरा फेस इसने जो है रिकॉग्नाइज कर लिया और मतलब सेट कर लिया है। अब देखते हैं कि ये खुलता कितने जल्दी है। तो चलो भैया, ये तो हो गया है, तो अब इसको हम बंद करते हैं मोबाइल को और खोलते हैं। तो अभी तो ये खुला नहीं है, तो इसके लिए शायद तक मुझे क्या करना होगा, चलो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट खोला, लेकिन अब देखना थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ये आप देख सकते हो। मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा ये मेरा फेस पहचानेगा और फिर खुलेगा। ये रहा, मैं आपको थोड़े से तरीके से दिखा देता हूँ। मुझे नहीं पता मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा। तो भाई वो कुछ भी कर लो आप, एक दो सेकंड ये ले रहा है, एक सेकंड तो कम से कम लेगा ही लेगा। देखो एक एक, तो भाई इस तरीके से ये काम कर रहा है, थोड़ा टाइम लगा, बिल्कुल मैं पास में ही हूँ जबकि। इस बार पहचान ही नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो है ठीक है। अब भाई 9000 में सब कुछ थोड़ा ये आपने किया, एक सेकंड रुकेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद जो है फिर ये खोल देगा। देखो ये मैंने बटन दबाई, ये इसने प्रोसेस किया और फिर खोला। यदि मैं आधा जैसा मौका दूं तो ये खोल पाएगा? नहीं खोल पाया। खोल दिया यार, खोल दिया। मतलब थोड़ा सा मैंने सिर को अपने सीख लिया, खोल दिया। और इसके अलावा नहीं तेजी से करेंगे तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो भाई फेस अनलॉक ठीक है एक तरीके से, 5000 तो मतलब देखो 9000 का मोबाइल है, इतना कुछ मिल रहा है। थोड़ा सा एक सेकंड का प्रोसेस थोड़ा सा लेट खुल रहा है वैसे तो देखा जाए, लेकिन फिर भी एक तरीके से ठीक है।
वो कितने भी बार मैं कर लूँ उतना टाइम लेगा लेगा एक सेकंड का, तो फिर भी ठीक है, ये समझो ठीक है। अब ये चेक करना कि अंधेरे में काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी हम अंदर आ चुके हैं और थोड़ा सा और मैं यहाँ पर चला जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर उतनी अच्छी लाइट नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अब देखते हैं, अब ये खेस खोल दिया, खोलो भाई, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हाँ, इसकी जो स्क्रीन की लाइट है ना वो चेहरे पर पड़ रही है, बाकी यदि दूर से मैं करूँगा तो नहीं, इतनी दूर से नहीं खोल पाएगा। हाँ नहीं, चला गया लगता है, हाँ इतने पास से खोल देगा, सही है। तो लो लाइट कंडीशन में भी ये खोल पा रहा है, मतलब ठीक है। बाकी अभी जो है खोला नहीं रहा है, मतलब ये देख सकते हो, अभी खोल के देखते हैं, बाकी चेहरे पर लाइट पड़ेगी तो खुल ही जाएगा। खुल गया, इतनी दूर से भी खुल गया। वाह यार, एक हाथ दूर से रख रहा है तब भी खुल रहा है। अब देखना, मैं इसको आपकी तरफ देख रहा हूँ, नहीं खुला है ना, खुल गया, खुल गया। ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर से काम करेगा, एक हाथ दूर से काम करेगा, नहीं कर रहा। कर गया, कर गया, लाइट नहीं पड़ रही ना, चेहरे पड़ रही है, कर गया, कर गया। एक सेकंड का डिले ले ही रहा है, चाहे पांच से करो चाहे दो से करो। तो बाकी देखा जाए तो फेस हम लोग सही से काम कर रहा है, थोड़ा सा डिले कर रहा है, मतलब एक सेकंड डिले ले रहा है, तो उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी फेस हम लोग उतना कुछ रहता नहीं है सिक्योरिटी के लिए, आपको फिंगरप्रिंट भी लगा कर रखना है, पैटर्न एंड लॉक या पिन लगा कर रखिए, ठीक है, कोई भी एक पासवर्ड बना कर रखिए, वो सही रहता है। फेस अनलॉक तो जस्ट आपकी सुविधा के लिए दिया जाता है, सिक्योरिटी के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो फेस अनलॉक ठीक है, और इसमें अभी एक चीज रह गई है, फोटो से खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा, फोटो या वीडियो से, उसको चलिए टेस्ट करते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पर मैंने एक फोटो मेरी क्लिक कर ली है, ठीक है, एक और कर ली है, थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और एक मैंने एक वीडियो भी बना ली है ये देखने के लिए कि क्या ये हेल टोटल ऑब्जेक्ट से कर पाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो ये रहा मोबाइल, ठीक है, ये रहा फिंगरप्रिंट इसमें लगा हुआ था, और तो भाई फेस अनलॉक चेक करना है ना, तो यहाँ पर इसको ऐसा रखना पड़ेगा, अरे यार आप ठीक है, चलिए तो देखते हैं खोल पाता है कि नहीं खोल पाता है। नहीं खोला, नहीं खोला, नहीं नहीं खोल रहा यार, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर देखते हैं, खुल भाई, खुल जा, नहीं खोल रहा भाई, नहीं खोल रहा, समझ रहा है वो मोबाइल है या रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ आ रहा होगा। और इस वाली फोटो को देख लेते हैं, है ना, एक तो जैसी शक्ल नहीं है ब्यूटी कैमरा में, ऐसी शक्ल हो जाती है तो इसलिए तो और नहीं खुल रहा, साथ पहचान ना पा रहा हो, हाँ नहीं खुल रहा। चलो वीडियो पे ट्राई करते हैं, यूज फिंगरप्रिंट, नहीं खुल रहा है भाई। तो इस वाले में ठीक है, चलो अब एक बार फेस मेरा फेस दिखाकर देखते हैं ना, खुल गया,
तो अच्छी बात है कि यहाँ पर ये मोबाइल में जो फोटो वगैरह है उसके जरिए तो नहीं खुल रहा है, पता नहीं फिजिकल भी फोटो रहेगी फोटोग्राफ उससे शायद तक खुल दे, लेकिन मेरे पास अभी फोटो नहीं है तो इसलिए मैं ट्राई नहीं कर सकता। बाकी मुझे नहीं लगता कि उस पर भी खुल पाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन तो उस पर ही पड़ी रही है, वो भी तो वैसे थोड़ी सी उस तरीके की सरफेस रहती है रिफ्लेक्शन जिसमें हो जाता है। तो चलिए ये तो अच्छी बात है, बाकी फेस अनलॉक ठीक है। और अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, कितनी देर में ये खुल पाता है। बाकी देखने तो आपने लिए ही क्योंकि मैंने एक दो बार खोला हुआ है, फिर भी एक बार अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं। चलिए तो भाई चलिए ये रहा, खुल गया। थोड़ा डीले कर रहा है लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये मेरे पास एक कोको M2 है इसमें, और देखते हैं चलो दोनों को साथ में ही खुलते हैं ना। इसमें बैक साइड में दिया हुआ है फिंगरप्रिंट सेंसर, ये खुला। इसमें फिंगर रख रहा हूँ, आवाज आ जा रही है और फिर उसके बाद खुल जा रहा हूँ, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा डीले देखने को मिलेगा। ये रखा अब खुला, ये रखा अब खुला, ये रखा अब खुला, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी सही है दोस्तों। मैं एक बार अपने Redmi Note 11 5G का और आपके साथ इसके साथ कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं है, वो कहाँ 13,000 का और ये थोड़ा सा 8,000 का है 9,000 का, लेकिन फिर भी अगली बार करके देखते हैं। तो ये रहा Redmi Note 11 5G, यहाँ पर देखो मैं फिंगरप्रिंट लगाया खुल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो है थोड़ा जल्दी खुल रहा है और इस वाले में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो भाई देखा जाए तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन इतना टाइम भी नहीं लग रहा है कि आप घंटों से इंतजार करना पड़े। सही है भाई, एक तरफ से देखा जाए ना तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि भाई थोड़ा सा उतना कम है, हालांकि इसके अंदर जितने भी 10,000 के अंदर आते हैं कुछ में तेज कुछ में थोड़ी सी कम, ऐसा चलता रहता है। बाकी फेस अनलॉक भी सही है, हमने अंधेरे में भी ट्राई करके देख लिया, सब मैंने ट्राई करके दिखा दिया आपको, और फिंगरप्रिंट भी मैंने आपको करके दिखा दिया। इसमें मैक्सिमम 4-5 फिंगरप्रिंट ही ऐड हो पाएंगे, मैंने करके नहीं देखा इतना। तो बाकी दोस्तों यही था, मैंने आप सोच रहे हो कि मैं खरोच मरोच के फिंगरप्रिंट बताऊंगा, तो यार 2,000 रुपये अभी डाले मैंने उसमें, ठीक है। तो मैं उसको मौसा नहीं करने वाला हूँ। बाकी दोस्तों ये लावा प्ले लिस्ट जो है इसके ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इसके रिलेटेड जो है काफी अलग अलग वीडियो बनाई है, जैसे कि चार्जिंग टेस्ट हो गया, गेम प्ले हो गया, टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, और इसी तरह की अनबॉक्सिंग हो गई, और मोबाइल लेते समय आपको कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए ये हो गया। तो इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं यदि आप भी मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो। और बाकी हम फिर मिलेंगे दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो या कुछ पूछना हो कोई सुझाव देना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी सलाह सुझाव मुझे दे सकते हैं। और बाकी हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, और इसके रिलेटेड मैंने जैसा कि बताया प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी अच्छा मोबाइल है यदि 10,000 के अंदर देखा जाए तो, मतलब बाकी मोबाइलों से तुलना करें तो अच्छा मोबाइल है। और हम फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।